हाउ टू फाइंड एंड फिक्स योर 404 पेजेस। इसका क्या मतलब है? 404 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि 400 पेजेस हैं, ये 404 एक एरर कोड है जो कि जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? ये उस वक्त जनरेट होता है जब उसको पेज नहीं मिलता। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है भैया, हमने साइट मैप पढ़ लिया होगा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप को हम चेक भी कर सकते थे। मैंने बताया था साइट मैप को चेक करने का तरीका, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वेबसाइट है इसका, मैं कहता हूँ इसका साइट मैप चेक करो, तो मैं स्लैश किया उसके आगे, स्लैश लिखा उसके आगे जाके लिख दिया साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब अगर तो इस वेबसाइट का साइट मैप बना होगा तो आ जाएगा, अगर आएगा तो इसका मतलब है फाइल है, अगर नहीं बना होगा तो इसका मतलब है फाइल मौजूद नहीं है। यानी कि मैं दूसरे टेक्निकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, वैसे पहले तो कहा था ना बनाना है हम लोगों ने, अब मैं ये चेक करने जा रहा हूँ भाई मेरे पास एक वेबसाइट आती है, अब मुझे देखना ना भाई इसकी SEO कौन कौन सी करनी है कौन कौन सी नहीं करनी, तो मैं सबसे पहले खोल कर देखूंगा ना कि इसका साइट मैप बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ अगर इस तरह लिखूंगा साइट मैप डॉट XML एंटर करूंगा, यार मुझे दो बातों का पता लग गया, एक तो मैं आपको ये समझा दिया कि 404 एरर क्या होता है। 404 एरर का क्या मतलब है कि जब उसे कोई पेज नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो एक एरर पेज शो करता है, और उस एरर पेज को वो क्या कहता है, यानी वो जो एरर पेज है वो 404 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेबसाइट पर ऐसे पेजेस नहीं होने चाहिए जो 404 पेजेस हैं। क्या ख्याल है? जैसे मैं आपको एड्रेस दूँ कि भाई कल शाम को मेरे घर आना, चाय पिलाता हूँ आपको, हाँ, और आप आगे से जंगलात में पहुँच जाएंगे, हाँ, गड़बड़ हो गई ना, वो कच्चे के इलाके में पहुँचे, हाँ, आजकल कच्चे का इलाका बड़ा मशहूर हुआ है, तो गलत हो गया ना, जब 404 हो गया ना, 404 का एरर बन गया ना ये वाला सारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के ऊपर भी जब 404 आएगा तो गूगल का इंप्रेशन भी खराब होगा और आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन भी खराब होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका रैंक ड्रॉप होगा। तो हमने सबसे पहले ये भी चेक करना है कि क्या हमारी वेबसाइट 404 के एरर्स तो नहीं जनरेट कर रही, ये एरर खुद नहीं जनरेट हो रहा, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, इस पेज को तो किसी ने नहीं खोलना, क्या इसको खोलना किसी ने, इसे सब मैंने खोला है SEO एक्सपर्ट के तौर पर, इसे खोल के देखा ना मैंने कि भाई ये क्या कर रहा है, अदरवाइज विजिटर तो इसे नहीं खोलेगा ना, आपको पता ही है ये वाली फाइल विजिटर के लिए तो हम बनाते ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये खोला है। विजिटर क्या खोलेगा? होम खोलेगा, अबाउट अस खोलेगा, कॉन्टैक्ट अस खोलेगा, कोर्सेज खोलेगा, यानी गैलरी खोलेगा, ब्लॉग खोलेगा, आर्टिकल्स खोलेगा, यानी जो भी हमारे टैब्स होंगे। अब अगर उन्हें क्लिक करने से कोई पेज ओपन नहीं होता, वो कब ओपन नहीं होगा? जब वो पेज मौजूद नहीं होगा, तो फिर कौन सा एरर आ जाएगा? 404। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए SEO एक्सपर्ट हमें ये भी देखना है कि हम जिस वेबसाइट की SEO कर रहे हैं क्या वो 404 के एरर तो नहीं जनरेट कर रही, 404 के पेजेस तो नहीं आ रहे उसके साथ। अगर उसके साथ 404 के पेजेस आ रहे हैं इसका मतलब है गड़बड़ है, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, इन सारे पेजेस को रिजॉल्व करना है, इस मसले को हल करना है कि ये क्यों आने लगे हुए हैं। जैसे अभी मैं ये देखूं अभी क्यों आ रहा है कि भाई साइट मैप नहीं बना हुआ, तो जब मैं साइट मैप बना लूंगा, जैसे अभी मैं दूसरी वेबसाइट खोलता हूं और उसका जब मैं साइट मैप देखूंगा तो उसका तो बना हुआ है, इसमें एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया ना इससे एरर। सो ये भी हमारा एक काम है कि हमने चेक करना है। अब ये एरर क्यों आएगा? देख रहे ये एरर आता कैसे है, बेसिकली क्लिक करने से आता है, तो इसका मतलब तो साफ समझ में आ गया कि हाइपरलिंक के साथ कुछ बना हुआ है इसका काम, हाइपरलिंक बना होगा ना कोई, मतलब आप अबाउट के बटन पे क्लिक करो तो क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। आप होम के बटन पे क्लिक करो तो क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। कोई भी लिंक क्लिक जो होता है वो हाइपरलिंक ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरर आ रहा है ये दो वजह हो सकती है। एक वजह क्या हो सकती है कि आपने जो हाइपरलिंक बनाया हुआ है उसके अंदर जो URL दिया हुआ है वो ठीक नहीं दिया हुआ। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि भाई आपने फाइल का नाम जो पहले रखा था अब वो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जब मैंने फाइल बनाई, मैं इधर आया, मैं एक फाइल बना रहा हूं, एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि भाई ये मेरा एक लिंक था ए स्पेस href इक्वल्स टू, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, हाँ, .html और यहां लिखा हुआ जी कोर्सेस, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अब इस फाइल का क्या नाम है, कोर्सेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वेब सर्वर पर इस फाइल का क्या नाम होना चाहिए, कोर्सेज होना चाहिए। अगर वेब सर्वर पर जो फाइल सेव हुई है इसका नाम कोर्सेज नहीं है, इसका नाम है जी, क्या ख्याल है आप, इस पर क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा,
खुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइडों में कुछ हो सकता है, हो सकता है लिंक में नाम गलत लिखा हो सकता है जहां पर फाइल सेव की हुई है वहां पर इस नाम की फाइल ना हो। अब ये कब हो सकता है, मिसाल के तौर पर जब मैंने वेबसाइट बनाई उस वक्त यहां पर भी कोर्सेज था और सर्वर पर भी फाइल का नाम कोर्सेज था। 6 महीनों के बाद हमने डिसाइड किया ये नाम ठीक नहीं है, ठीक है, सो मैंने क्या लिख लिया, इसका नाम चेंज किया और इसके नाम को मैंने यूं कर दिया, क्यों कर दिया ऐसे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस फाइल का नाम, सर्वर फाइल का नाम चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ अगर 10 हाइपरलिंक्स बने हुए हैं तो मुझे 10 हाइपरलिंक्स में जाकर भी नाम को चेंज करना है। यानी अभी फिलहाल तो मैं एक हाइपरलिंक की बात कर रहा हूं ना, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, बोले समझ आइए बात की। यानी इसकी ये दो वजह है गलत होने की, यहां तो हाइपरलिंक में नाम गलत लिखा हुआ है, यहां डिस्क पे जो फाइल सेव हुई हुई है उसका नाम गलत है। तो जब भी ये एरर जनरेट हो तो आपने इन दोनों को चेक करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि बाद में ये वाली फाइल ही आपने डिलीट कर दी, ये फाइल है ही नहीं, फिर भी 404 का एरर जनरेट होगा। आपकी वेब होस्टिंग की डेट खत्म हो जाती है ना, फिर भी एरर जनरेट हो जाता है, कई दफा ये एरर ही जनरेट होता है। क्यों, क्या करते हैं वो आपकी फाइल को रिमूव कर देते हैं वहां से, जब वो इंडेक्स की फाइल को ही रिमूव कर दिया आपकी वेबसाइट तो नहीं खुलेगी ना, फिर 404 का एरर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से 404 का एरर जनरेट होता है, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब आ रही है इसमें वापस, अब हमारा क्या काम है जी, हमारा काम है इन एरर्स को ढूंढना। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है उसके अंदर टोटल 500 पेजेस हैं, अब तो 500 पेजेस का मतलब है हाइपरलिंक्स तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब एक एक करके अगर हम ये फाइल ढूंढना शुरू कर देंगे तो ये तो काम बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ये तो एक किस्म का मैनुअल वर्क हो जाएगा ना, डंकी वर्क शुरू कर देंगे हम। वो कहता है भाई एक काम करें आप, मैं आपको टूल्स बता देता हूँ, आप इन टूल्स को यूज करें, वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट 404 का एरर जनरेट कर रही है, अगर कर रही है तो कितने पेजेस पे कर रही है, ताकि आप उसको खुद से ठीक कर लें। तो इसके लिए हमारे पास टूल है, ये फाइल मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। एक टूल ये वाला है जिसमें लिखा हुआ है ब्रोकर लिंक चेकर, एक ये वाला टूल है AHREF का, AHREF का टूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सबसे, AHREF सबसे अच्छी कंपनी है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक ये डेडलाइन चेकर, ये मैंने तीन लिंक्स आपको दे दिए, ये तीनों लिंक्स जो है वैसे ज्यादा अच्छी बात हो कि आप एक की बजाय तीनों से चेक करें, ताकि वो डाउट भी खत्म हो जाए कि कोई गलत तो नहीं चेक कर रहा, यानी तीनों से चेक करें और तीनों में एक जैसे जो लिंक्स होंगे उनको आपको ठीक करना है। अब ये काम किसका है, ये काम भी डेवलपर का है, क्योंकि आपने तो वेबसाइट बनाई नहीं है, आप ऑन साइड SEO पे जब काम कर रहे हैं तो कोडिंग पे काम कर रहे हैं, और जब आप ऑफ साइड SEO पे काम करेंगे आप वेबसाइट पे काम ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका काम है, ये किसका टास्क है, डेवलपर का टास्क है। तो आप क्या करोगे, ये लिंक का स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, और उसको URL भी बता देंगे और उसे कहेंगे भाई ये चेक करो ये क्या हो रहा है, आप इसको ठीक करके दे मुझे। वो फिर आपको यहाँ जहाँ इश्यूज आएंगे, जहाँ सर्वर पे फाइलें नहीं पड़ी होंगी, उन फाइलों के नामों का जो इशू होगा वो उसको ठीक करेगा। सो ये काम किसका है जी, डेवलपर का काम है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये मैं आपको फाइल दूंगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये URL खुल जाएगा, बेशक URL को भी अपने पास नोट कर लें। और मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ये मैं सारे अपने LinkedIn पे ऐड कर रहा हूँ, ताकि बाद में भी कभी आपको चाहिए हो तो मेरे LinkedIn पर आए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये सारी स्लाइड्स पड़ी होंगी, ठीक है। अभी भी मैंने कुछ मेरा ख्याल 3-4 उधर कर दिए, तो किसी ने अगर वहाँ से डाउनलोड करनी हो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। लेकिन इधर आगे हम इसका पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि इस पर है कुछ ऐसा इशू जी। कौन सी वेबसाइट है, ahref.com/brokerlinkchecker, इस पर लाइन पेस्ट किया हमने यहाँ पे और चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर रहे हैं, उसको पता लग गया, वो करीब आके बैठा है ना, उसको लग गया अभी करीब आ जाओ, उसने बताया मैंने नहीं बताया, वो कहता है ब्रोकर लिंक चेक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने, देखो उसे करीब आने से समझ में आ गया, अभी करीब आ जाओ। तो हम ब्रोकर लिंक चेक कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट के अभी वो आया हुआ ना, इसको ऑन कर दें। अब ये हमें एक लिस्ट दिखाएगा, अगर लिंक्स ब्रोकन होंगे तो आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, SEO का एक फैक्टर फाइन, बहुत अच्छा फैक्टर, मतलब इसमें ब्रोकन लिंक्स नहीं है। अगर ब्रोकन लिंक्स हैं तो बुरी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। अगर ब्रोकन लिंक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि गूगल आपको रेटिंग कर रहा है कि भाई आपकी अच्छी वेबसाइट है, इसमें कोई ब्रोकन लिंक नहीं है। और अगर कुछ आएगा तो भी पता लग जाएगा हमें, क्लिक नहीं किया मैंने,
जी आया, क्या कहते हैं, कोई ब्रोकर लिंक नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, चलो या कोई और वेबसाइट। इसके अब आप जितनी आपने प्रैक्टिस करनी होगी मुख्तलिफ वेबसाइट्स लिखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं ये स्टार्स की वेबसाइट को देख लेता हूँ, अब जिस पे ब्रोकर लिंक्स होंगे उस पे पता लगेगा। वो जो स्टार्स कॉलेज वाली है ना, तो जब हम पढ़ा रहे थे वो लैपटॉप की क्लास जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त हमने चेक किया तो उस वक्त उसमें बहुत ब्रोकर लिंक्स थे, लेकिन उन्होंने फिर मैंने उनसे कहा कि उनके ब्रोकर लिंक्स रिमूव करवा दिए थे। तो ये तो एक टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। इसमें है ब्रोकर लिंक्स कितने हैं जी, 4 लिस्ट भी आ रही है। अब ये क्या करूंगा मैं, ये उसको भेज दूंगा, बस वो ये जी ये ब्रोकर लिंक शो हो रहे हैं, ये रखें शो कर रहे हैं ना, कह रहे ये वाली फाइल नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात को लेके आगे बढ़ते हैं, समझ आ गई बात की जी, कंप्लीटेड, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, क्या कि भाई ब्रोकर लिंक्स किस तरह चेक किए जा सकते हैं, कि क्या ब्रोकर लिंक्स तो नहीं है। हाँ वो भी यूज करते हैं इसके लिए, हाँ इसके लिए, ठीक है ले लिया, आगे आ जाते हैं थोड़ा, इस टॉपिक को बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं क्या। व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि हम रीडायरेक्ट का मतलब ये नहीं भाई ऊपर एक 6 बच्चे एकदम क्लासरूम में एंटर हो और वो कहें जी फाउंडेशन की क्लास बैठ जाए, मैं जी यहाँ नहीं हो रही भाई नीचे वाले कमरे में चले जाओ, क्या हुआ मैंने रीडायरेक्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। अभी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं, हम लिखते हैं www.abc.com, लिख के एंटर करते हैं तो जियो की वेबसाइट खुल जाती है, इसका क्या मतलब हुआ, रीडायरेक्ट हो गई ना वेबसाइट, ठीक है। अब हमारे पास रीडायरेक्टर दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्टर और एक को हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्टर। अभी आपने जो वर्चुअल रीडायरेक्टर है ना एक पढ़ लिया, वो कौन सा पढ़ा है, कैनोनिकल, कैनोनिकल इज ऑल्सो टाइप ऑफ रीडायरेक्ट, क्या ख्याल है, क्या कहते थे हम, कहते थे भाई क्रॉलर आएगा इधर आएगा लेकिन देखेगा भाई ये तो डुप्लीकेट है, इसका असल वाला तो वो है, वो यहाँ से निकल जाएगा और असल वाले पे चला जाएगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पर विजिटर को तो कुछ नहीं छेड़ा हमने, विजिटर को तो हमने कुछ नहीं कहा, जो विजिटर है वो अबाउट अस पे भी आएगा, वो होम पे भी आएगा, लेकिन जब क्रॉलर अबाउट अस पर आएगा तो कहेगा ये तो डुप्लीकेट कंटेंट है, इसको मैंने नोट नहीं करना, मैंने किसको नोट करना है, होम को नोट करना है। सो ये कौन सा रीडायरेक्ट है, यानी कि कैनोनिकल जो होता है वो एक वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ठीक है, और जो फिजिकल रीडायरेक्ट है वो हमारे पास 2 है, 301 और 302। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम वेबसाइट को परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी यानी वक्ती तौर पर, जैसे मैं कहता हूँ कि शॉप है यहाँ पर, ठीक है, शॉप वाले कहते हैं यार अभी यहाँ रैक लगवाने हैं, पेंट करवाना है, पंखे लगवाने हैं, बड़ा टाइम लग जाएगा, एक महीना लग जाएगा, यूँ करते हैं 7 वाली शॉप से थोड़ी सी जगह लेते हैं और वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं एक महीने के लिए, और फिर बैनर लिख के लगा देंगे, ठीक है, कि हम आरजी तौर पर इस जगह पे शिफ्ट हो गए, महीने के बाद जब काम खत्म हो जाएगा वापस आ जाएंगे वहाँ पर। तो ये कौन सा रीडायरेक्ट हुआ, टेम्परेरी रीडायरेक्ट। एक रीडायरेक्ट क्या है कि भाई वो पहले शॉप थी शॉप नंबर 30, उसके बाद उन्होंने शॉप ही चेंज कर लिए, फिर शॉप नंबर 50 में चले गए, अब वो शॉप नंबर 30 में कोई और साहब आ गए, अब उसका तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है, अब उनकी परमानेंट मूवमेंट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट रीडायरेक्ट, ठीक है जी। अ रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन, ठीक है। जो कैनोनिकल है वो यूजर्स को नहीं भेजता, कैनोनिकल किसको भेजता है, सिर्फ क्रॉलर को भेजता है, जबकि रीडायरेक्ट जो है वो यूजर्स को भी भेजते हैं और क्रॉलर्स को भी भेजते हैं टू डिफरेंट यूआरएल फ्रॉम द ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। कहता है भाई जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, इसकी एक एग्जांपल और भी हो सकती है, 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमने एक वेबसाइट खरीदी, होस्टिंग बाय की, डोमेन बाय की, SSL नहीं बाय की, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यूआरएल है वो कौन सा, HTTP, नॉट सिक्योर है ना। 6 महीनों के बाद हमें किसी ने बताया या कोई मसला हुआ हमारे साथ, वेबसाइट हमारी हैक हो गई, अब उसने कहा भाई तुमने SSL नहीं दी थी इस वजह से हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। अब हमने कहा हम SSL परचेज कर लेते हैं, अब हमने SSL परचेज कर ली, SSL परचेज की, सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया, अब क्या हुआ, अब हमारी वेबसाइट पहले किस पर थी, HTTP पर थी, अब किस पर होगी, HTTPS पर होगी, ये तो इसका मतलब हुआ 2 URL हो गए, क्या ख्याल है, एक URL था HTTP abc.com, एक URL क्या होगा HTTPS abc.com। अब हम इसको रीडायरेक्ट लगाएंगे, अब उसे कहेंगे कि भाई चाहे कोई HTTP लिखे चाहे कोई HTTPS लिखे, जाना कहाँ पर है, HTTPS पर,
कोई चाहे HTTP लिखे या HTTPS लिखे, अब हम क्या करें, रिडायरेक्ट करें। ये कैसा रिडायरेक्ट है आपका, क्या ख्याल है, टेम्परेरी है क्या परमानेंट है? ये परमानेंट रिडायरेक्ट है, ये टेम्परेरी रिडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी तरह की, यानी आपको मैं परमानेंट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि इस सूरत में भी ये रिडायरेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल ये है जी कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने 1980s में बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उसने अपनी कंपनी का कोई भी नाम रख लिया, कोई भी नाम हम कह देते हैं रख लिया, कह रहे ABC रख लिया, ठीक है। अब वो ABC के साथ बिजनेस कर रहा है, अब 2024 में या 2025 में उसके बच्चे जवान हो गए, उन्होंने कहा अबू ये नाम तो अभी नहीं पसंद, कंपनी का नाम ये नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा पेंडू सा नाम है जी, कोई आजकल के दौर के मुताबिक मूवी डैडी नाम रखते हैं अपना, ठीक है। उन्होंने नाम चेंज किया, कंपनी का नाम चेंज किया और कंपनी का नाम रख दिया XYZ। अब इतने सालों से इनका बिजनेस किससे चल रहा है, ABC से चल रहा है। उन्होंने कहा चले यूं करते हैं, एक वेबसाइट और बना लो, तो जो पुराने वाले लोग हैं ना उनको भी इसी पे शिफ्ट कर देंगे। अब कोई भी बंदा जब लिखेगा ना ABC.com तो किस पर जाएगा, XYZ पर जाएगा, और जब कोई बंदा लिखेगा XYZ.com फिर ABC पर चला जाएगा, फिर भी XYZ पर ही रहेगा, ये भी परमानेंट रिडायरेक्टर हो गया। हमने उसको भी नहीं खराब किया, उसको हम रिन्यू भी करवाते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि जो पुराना कस्टमर है हमारा उसको भी पता लगे कि ना ABC वाली कंपनी भी मौजूद है और XYZ वाली कंपनी भी अभी तक मौजूद है, ठीक हो गया, समझ आ गया। ये यानी एग्जांपल हो गई हमारे पास परमानेंट रीडायरेक्ट की। अच्छा, अब एक इश्यू जहन में आता है कि भाई ये तो रीडायरेक्ट कर दिया तो SEO कहाँ गई, हमने तो SEO भी कराई थी वेबसाइट की, तो जब हमने SEO कराई थी ABC की तो वो तो खराब कर देगा काम सारा, फिर नेसरे में SEO करवानी पड़ेगी। तो जो परमानेंट रीडायरेक्ट लगता है उसमें 99.9% SEO रहती है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि SEO रहती है, SEO को कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ परमानेंट रीडायरेक्ट। मतलब अगर आपने दस्तगीर इंजीनियरिंग की जो SEO की हुई थी साथ ही शिफ्ट हो जाएगी उसमें, लेकिन जब टेम्परेरी रीडायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें SEO शिफ्ट नहीं होती, इवन इंडेक्स भी नहीं हो रही होती उस टाइम पर जब आपने उसको टेम्परेरी रीडायरेक्ट लगाया होता है। क्यों? इसीलिए कि टेम्परेरी रीडायरेक्ट का है ही है अंडर मेंटेनेंस, बेसिकली तो वो यही है ना कि भाई अभी हम इसको कुछ कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, अभी काम हो रहा है, थोड़ी देर के बाद आइएगा, तो वो SEO वहाँ पे रुक जाती है। तो टेम्परेरी हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी हो वेबसाइट की, या कभी हमने AB टेस्टिंग करनी हो। AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अभी एक लेक्चर दे रहा हूँ, आज पहले घंटे में एक लेक्चर दिया, उसके बाद एक और लेक्चर दिया, मैंने इन दोनों लेक्चर में से ना एक लेक्चर लाइव करना है, सो मैंने दोनों लेक्चर्स को दिया और उसके बाद क्रॉस दोनों को सुना, मुझे जो लेक्चर अच्छा लगेगा ना, जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे उन दोनों लेसन में से जो अपना लेसन अच्छा लगा उसको मैंने लाइव कर दिया। सो ये करने से पहले मैंने जो टेस्टिंग की इस कॉल्ड AB टेस्टिंग। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी एक चीज़ के दो वर्जन बना लें चेक करने के लिए तो भी हम उसको टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो ये पर्पजेज हैं इसके, चलो ये मैंने सारा आपको बता दिया, ये है 301 और ये है 302। URL has been moved permanently to another URL, कौन सा 301 कौन सा होता है, परमानेंट होता है। Redirect passes between 90-99% link equity का मतलब है उसकी रैंकिंग पावर, ठीक है। जब आपने पूरी की पूरी SEO स्कोर को भी मूव करना हो तो हम 301 लगाते हैं, ये इसकी एग्जांपल आ गई है जो मैंने अभी आपको दी भी है। कहता है HTTPS से भी जब आपने माइग्रेट करना होगा HTTPS पर, HTTP से तो भी ये यूज किया जा सकता है, ये एग्जांपल भी आ गई नीचे। और ये नीचे कौन सा आ गया जी 302, और ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये क्यों यूज होता है जो मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई है। ये AB टेस्टिंग की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। ये मैं अक्सर बताता होता हूँ इस लेक्चर के एंड पे कि भाई कोरा पर जाओ और अपना अकाउंट बनाओ, ये इसलिए लिखा हुआ है, इसका रीडायरेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये एक फोरम वेबसाइट है जो कि FAQ टाइप की वेबसाइट है, फोरम वेबसाइट्स होती है, FAQs हैं। फोरम का मतलब क्या है, एक फोरम है उसमें आए हैं आप कुछ पूछ रहे हैं, कोई बता रहा है, कोई पूछ रहा है कोई बता रहा है, कोई बता रहा है कोई पूछ रहा है, इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं फोरम वेबसाइट। इस वक्त जो सबसे स्ट्रांग है इस कोरा, इस वक्त सबसे स्ट्रांगेस्ट वेबसाइट जो है वो कोरा है। चलो ये भी हो गया। एक टर्म है लिंक जूसी क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं साथ ही। हाँ, लिंक जूस बेकरी से मिलता है, जूस है ना, कहां से मिलेगा। लिंक जूस का मतलब क्या है, लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन द SEO वर्ल्ड रेफर टू द वैल्यू पास्ड फ्रॉम वन पेज और साइट टू अनदर। यानी कि लिंक जूस क्या है, एक टर्म है जो कि इस्तेमाल करते हैं SEO के अंदर हम, जब वैल्यू पास कर रही होती है एक वेबसाइट
दूसरी वेबसाइट को, इसका क्या मतलब है? अगर मैं एक लॉजिकल वैल्यू पास करने की बात करूँ तो मिसाल के तौर पर जैसे पीस स्टेशन वाले सड़क के ऊपर बैनर लगा देते हैं, अब मैं कहता हूँ सड़क पे नहीं बैनर लगाते, क्योंकि सड़क पे बैनर लगाने से तो हम कोई अथॉरिटी तो नहीं कैश कर सकते, मतलब हमारे पास ट्रैफिक तो आ सकती है सड़क पे बैनर लगाने से, समझ लो सड़क पे बैनर लगाए हैं लोग गुजर रहे हैं, तो अगर 200 लोग गुजरे हैं तो हो सकता है उनमें से कोई 20 एक लोग ऐसे भी हों जो इंटरेस्ट वाले हों, और जब बहुत सारे सीजन चल रहा हो तो हो सकता है ज़्यादातर आदमी भी हों, लेकिन वहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ ट्रैफिक मिलेगी। मैंने क्या किया, पैकेजेस माल पे सेल चल रही है, पूरे पैकेजेस माल में जितनी भी ब्रांड्स हैं वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी 50% ऑफ। हमने क्या किया, अपनी स्टैंडीज बनवाई और हर ब्रांड की एंट्रेंस के अंदर रख दी, अंदर बाहर नहीं अंदर रख दी। अब जब उसका कस्टमर उस ब्रांड में जाएगा, जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल होगा उसे पीक सॉल्यूशंस नजर आएगा, ठीक है, तो वेट करेगा उसको कि नहीं करेगा? उसको वेट देगा, क्यों देगा? इसलिए वो अपनी फेवरेट ब्रांड के अंदर आया है इस वक्त और वो उसको बहुत वेट देता है, उसके नज़दीक सबसे अच्छी ब्रांड यही है कि मुझे क्लोथिंग बाय करनी है तो यहाँ से बाय करनी है, तो इसका मतलब क्या, वो उसको तो बड़ा ज़्यादा वेट देगा, वेट दे रहा होगा ना उसको, तो उस वेट का कुछ वेट मुझे भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने उधर रखा हुआ है, तो वो ये समझेगा कि भाई ये अगर इस ब्रांड में पड़ा हुआ है तो कुछ तो है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कुछ अथॉरिटी मुझे भी मिल गई, यानी मैंने क्या किया उसका लिंक जूस ले लिया थोड़ा सा, समझ आई बात? ये मैं वर्चुअल बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल लिंक जूस तो नहीं है ना। अब अगर हम वेबसाइट्स में आ जाएँ तो हम ये कहते हैं कि वेबसाइट्स जो होती है हमारे पास, जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें, ऑन साइट SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ साइट SEO। हाँ भाई, अगर किसी बंदे ने वेबसाइट को रैंक करवाना है, पहले पेज के ऊपर लेकर आना है, ठीक है, तो अगर वो ये समझता है कि वो ऑफ साइट SEO करके पहले पेज पे ले आएगा, बिल्कुल नहीं आएगी। ऑफ साइट SEO से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। आपकी वेबसाइट कब रैंक करेगी? ऑन साइट SEO प्लस टेक्निकल SEO, ऑन साइट SEO प्लस टेक्निकल SEO प्लस ऑफ साइट SEO। लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा कि ऑफ साइट SEO और रैंक कर जाएगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मगर ऑफ साइट SEO से आपको मिलेगा क्या? ऑफ साइट SEO से आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलेगी। यानी मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू अभी मैंने वेबसाइट बनाई है, तो मेरी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो है सपोज कर लें 10 out of 100, हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 हो सकता है 20 हो सकता है 14 हो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये अथॉरिटी तो बहुत कम है, 100 में से क्या ख्याल है, 100 में से तो बड़ा कम रिजल्ट है, हम इसलिए कि भाई वेबसाइट ही नहीं है अभी, ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाना कैसे है? अब देखें, ये अथॉरिटी है, ये कीवर्ड की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, अब ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लाना चाह रहा हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ वेबसाइट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और ये स्टैंडर्ड गूगल का नहीं है, ये मॉज का स्टैंडर्ड है वेबसाइट की अथॉरिटी। फेसबुक की कितनी अथॉरिटी है जी? 100। अब आपने वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी होगी, एक मैं चेक करवा देता हूँ, बाकी आपने घर जाके खुद से करनी है, ठीक है। देखिए जी, मैं कहता हूँ ऑन साइट वेबसाइट अथॉरिटी, ऑन साइट लिख दिया मैंने, ऑनलाइन लिखना था जी, ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी चेकर। आगे जी, इसमें ये भी आपके पास ये ट्रैक खुल जाएगा, इससे सबसे अच्छा वही वाला है, वैसे मौज भी है, मैं इसमें जाता हूँ। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी आपके घर में अबू की अथॉरिटी है ना, है ना, आपकी तो नहीं है उसमें पावर, होल्ड नहीं है ना, क्यों है, स्ट्रॉन्ग है सबसे, लोग उन पे ज्यादा रिलाय, ताकत नहीं भाई, खाने वाले स्ट्रांग नहीं, ठीक है ना, हर तरह से स्ट्रांग है, मतलब उनकी बात मानी जाती है ना, पैसे कमा कर देते हैं ना घर में भाई, है ना, आटा लेकर आते हैं, सब कुछ लगते हैं, तो अथॉरिटी तो बढ़ती जा रही है ना, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अथॉरिटी क्या है? जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। पावर कैसे ज़्यादा होगी? जिस वेबसाइट पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फेसबुक कितने लोग जाते हैं उस पर? मेरा ख्याल है 100% उसकी अथॉरिटी होती है, 100 हो 100 हो। जियो पर जाकर देखते हैं, दो दिन की मैं बताता हूँ, बाकी की आप चेक कर लें। पहले मैं फेसबुक की देखता हूँ, ठीक है, चेक अथॉरिटी। अब हमारी प्रोफेशनल किचन वाली वेबसाइट है, पहले नंबर पर रैंक करती है, लेकिन जब हम उसकी अथॉरिटी चेक करेंगे तो नहीं आएगी उसकी अथॉरिटी।
अगर रैंक वो पहले नंबर पे कर रही है क्या कहते हैं शायद हमने गलत लिखा है, तो यहाँ पर आ जाए जरा इसका यू आर एल सही नहीं लिखा गया होगा हमसे ना, यहाँ पर फेसबुक लिख के जो है ना इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है तो भाई इसने वेब लगा दिया बीच में, कोई बात नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं हम यहाँ से, ये हटा देते हैं बस। अभी घर जाकर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स की अथॉरिटीज को चेक करें, ठीक है आपको पता लग जाएगा तो कितनी अथॉरिटी, अच्छी अथॉरिटी कितनी होती है जिसको हम अच्छी अथॉरिटी कंसिडर करते हैं, कि मतलब जब हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम कम से कम कहते हैं कि भाई 40 तक तो लेकर जाएं, यानी कि जो 40 के नंबर होता है ये वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी होती है, 60 जो होती है वो बेहतर होती है, 60 से ऊपर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। चलो जी इसको समझ नहीं आ रही इसकी, हाँ स्पेलिंग सही लिखी है मैंने वैसे, चलो एक काम करते हैं इसकी अथॉरिटी चेक कर लेते हैं, हाँ इसकी नहीं इसकी यही है। चेक टू पॉइंट फोर जस्ट आउट ऑफ 100, लेकिन जब यहां पर आकर हम लिखते हैं ना वेबसाइट पहले नंबर पे आती है ना, इधर से किसी और वेबसाइट को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ ले, इसकी अथॉरिटी चेक करते हैं कैसे, कॉपी क्लोज या पेस्ट करें इसको, इसकी अथॉरिटी चेक, अब पता लगे क्या होता है, इस तरीके से आपने चेक करना है, ट्विटर की अथॉरिटी चेक करनी है, उससे भी हमारे से भी कम है, ठीक है ना, तो मतलब इट इज कॉल्ड अथॉरिटी, इसे हम बोलते हैं अथॉरिटी। अब अगर हम किसी अच्छी वेबसाइट को देख लेते हैं, ट्विटर को देखें, twitter.com का मतलब क्या हुआ कि हम जिसको कहते हैं ना लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक्स बनाना, वो हम इन साइट्स पे जाकर बनाते हैं, मतलब आपका फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने एक बैक लिंक बना दिया ना उधर अपनी वेबसाइट पर या अपना, अगर आपका ये देखें अथॉरिटी देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं अपना ट्विटर अकाउंट बनाऊंगा अपनी कंपनी का और उसमें जाकर अपनी वेबसाइट दूंगा तो मुझे एक बैक लिंक मिल जाएगा इधर से, जब मैं फेसबुक पे अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे एक बैक लिंक मिल जाएगा, जब मैं वर्डप्रेस पे जाकर एक फ्री वेबसाइट बनाऊंगा तो मुझे वर्डप्रेस क्या भी मिल जाएगा, अब wordpress.com लिख कर देखें उसका भी आपको पता लग जाएगा कि उसकी अथॉरिटी क्या है। सो ये है, इट इज कॉल्ड बैक लिंकिंग, और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, इट इज ये भी एक किस्म का डेटा एंट्री का काम है कि बस आपने बनाते जाना है धड़ाधड़, इससे हम क्या करते हैं अपनी अथॉरिटी को इम्प्रूव करते हैं, अथॉरिटी इम्प्रूव करने से ट्रैफिक बढ़ती है हमारी वेबसाइट के ऊपर क्योंकि हमारे लिंक्स मिल जाते हैं ना दूसरी साइट्स के ऊपर। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम ऑन साइट एसईओ ही ना करें, टेक्निकल एसईओ ही ना करें, तो हम रैंक नहीं कर सकते। कई लोग हैं, कई कंपनीज हैं, वो सिर्फ ये काम करती है, इसलिए कि काम करना आसान है, इसके लिए तो किसी टेक्निकलिटी की जरूरत ही नहीं है,
मिसाल के तौर पर आप एक जगह जाते हैं दफ्तर नौकरी करने लगे हुए हैं, जाकर बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, वो आपको एक लिस्ट भेज देते हैं कि भाई ये 1000 का URLs हैं, इन पर जाकर एंट्री कर दो। अगले दिन आते हो फिर 1000 URLs मिल जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ बैक लिंक्स बन रहे हैं, ये सिर्फ बैक लिंक्स बन रहे हैं, SEO नहीं हो रही है। चलो जी, इसका मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से 99 नंबर मिल गया उसके, 100 में से 99 मार्क्स हैं उसके, अच्छे हैं ना, ठीक है। अभी हमने जो वेबसाइट रैंक की हुई जिसको भी देखा था ना, उसके कितने आ रहे थे, 2.4। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो ये रैंकिंग है ये क्या है, ये SEO की रैंकिंग नहीं है, ये डोमेन अथॉरिटी की रैंकिंग है। और डोमेन अथॉरिटी की रैंकिंग में सिर्फ ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका डोमेन नेम, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी डोमेन कितनी देर के लिए परचेज हुई है। अगर आपने 7 साल के लिए डोमेन परचेज की होगी तो भी आपको अच्छी अथॉरिटी मिलेगी। आपकी डोमेन कितनी पुरानी है ये भी एक फैक्टर है, आपकी डोमेन की एज कितनी है, ठीक है। चलो जी आ जाए वापस आगे चलते हैं। ये था लिंक जूस, लिंक जूस की जरा साइज समझ में आई क्या होती है कि लिंक जूस है क्या बेसिकली। ये जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होंगे उस वक्त इसका पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या करता है कि जहां पर हम जाकर लिंक लगाते हैं उधर से हमें जो वेट मिल रहा होता है इज कॉल्ड लिंक जूस। आप समझ लो कि वो वेबसाइट एक वोट दे देती है आपकी वेबसाइट को कि भाई ये वेबसाइट को कंसीडर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 है और आप 4 हैं तो आपको एकदम 80 मिल जाएगा, बहुत स्लो स्लो करके आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, रोक दूं क्या आगे पढ़ाऊं, स्कीमा पढ़ा दूं, नेक्स्ट टाइम पढ़ ले। चलो आज हमने पढ़ा है 404 लिंक और रीडायरेक्ट, क्या हुआ वो करना था, हाँ एक प्रोग्राम चलाना था।